सर्विस कंट्रोल रूम। मुंबई के 3 नामचीन जगहों पर एक ही वक्त पर बम ब्लास्ट होने वाले हैं। एमआर मॉल, ओमेगा आईटी पार्क, माँ लक्ष्मी यूनिवर्सिटी। सिर्फ 20 मिनट बाकी हैं, सॉरी सिर्फ 19 मिनट। हेलो, आप कहाँ से बात कर? बेबी की मूवमेंट अच्छी है, एवरीथिंग इज नॉर्मल। प्रकाश, जानते हो तुम बहुत बिजी इंस्पेक्टर हो, बट प्लीज वाइफ का भी ध्यान रखा करो। वाइफ और बच्चे का ध्यान रखना तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी है। थैंक्स डॉक्टर। तुम देख रही हो ना ये मूवमेंट्स, इसका मतलब है बच्चा बहुत हेल्दी है। डोंट वरी। हेलो साहब, जोशी बोल रहा हूँ। एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मुंबई सिटी में 3 जगह बॉम्ब रखे हुए हैं। कहाँ पर? महालक्ष्मी यूनिवर्सिटी, एमआर मॉल, ओमेगा आईटी पार्क। देखो, किसी को भी अंदर मत जाने देना। बॉम्ब रखे गए बिल्डिंग और उसके आसपास की सारी बिल्डिंग की पब्लिक को लाओ कर खाली कर। बॉम्ब स्क्वाड के आते ही सारी बिल्डिंग को ठीक से चेक करने को बोल। मेक श्योर नो वन टचेस एनीथिंग टिल द बॉम्ब स्क्वाड कम्स। मूव। हाँ बोल साहब। कैसा आपने कहा था, फायर अलार्म देकर पब्लिक को बाहर निकाल दिया। मॉल स्टाफ के सपोर्ट से मल्टीप्लेक्स खाली करवा दिया साहब। गुड जॉब। बॉम्ब को लोकेट कर लिया? हाँ साहब, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। अल्फा 2 ऑफिसर प्रकाश। गाय सर, विस्फोटों को अच्छी तरह जानने वालों ने ही बॉम्ब रखा है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, इतने कम समय में बॉम्ब को डिफ्यूज नहीं कर सकते सर। एक और बुरी खबर है, बाकी जगहों पर भी बॉम्ब को डीएक्टिवेट नहीं कर सकते। तुरंत उस जगह से बाहर निकलो। आई वॉन्ट एवरीबडी आउट ऑफ हियर नाउ। गुड इवनिंग, दिस इज रामिया राधाकृष्णन, फ्लैश न्यूज। मुंबई शहर में कई जगह पर बहुत ही भयंकर बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, जिसकी वजह से हर जगह जनता में दहशत का माहौल है। इसके बारे में बात करने आज हमारे स्टूडियो में आए हैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री श्रीमान महादेव राणे, वेलकम सर। और उनके साथ आए हैं मुंबई पुलिस के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड चीफ मिस्टर मिलिंद विरेकर। थैंक यू फॉर जॉइनिंग सर। मिलिंद सर, आप ATS के सीनियर ऑफिसर हैं, इस विषय पर आपका क्या कहना है? आप सब तो जानते ही हैं कि लिबरेशन लायंस ग्रुप के हेड दुरानी को बड़ी मशक्कत के साथ हमने अरेस्ट किया था। उसके गुनाह हाई कोर्ट में साबित हुए और उसके बाद उसे सजाएं मौत सुनाई गई। ख्वाब में भी ये मत सोचना कि मुझे मौत की सजा मिल गई है तो लायंस लिबरेशन खत्म हो जाएगा। तुमने देख ही लिया कि मुझे कैद करने के बाद मुंबई में कैसे मौत का तांडव शुरू हो गया है। अब सिर्फ यही बैठकर सोचते रहो कि अगला बॉम्ब कहां फटने वाला है। बॉम्ब्स के जरिए जनता में जानबूझकर डर पैदा करने की ये सोची समझी साजिश है। ऐसी हरकतों से जनता बिल्कुल नहीं डरे और हिम्मत से काम ले, सरकार इस आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। फांसी तक क्यों रुकूं? तुझे चाहूं तो अभी ठोक सकता हूं, पर इस ब्लास्ट के पीछे और कौन कौन है उन सबको ढूंढ कर इकट्ठा ठोकूंगा मैं। शॉपिंग मॉल के अलावा और भी 2 जगहों पे बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिली, हमने अपने एक्शन शुरू कर दिया। मॉल के CCTV कैमरा फुटेज भी ब्लास्ट में बर्बाद हो चुके हैं, इसीलिए कहा आतंकवादियों का हो सकता है, सिर्फ यही अंदाजा लगा सकते हैं। हमारी जांच चल रही है, हमें जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको भी जरूर बताएंगे।
एक्सक्यूज मी, या तुम अर्जुन हो ना? एसएसएम कॉलेज, एमएससी सॉफ्टवेयर। हाँ, आप कौन है? माया हूँ मोटे। ए माया, ओ शिट, ए माया, कम 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 कम, सिट 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 सिट, बैठो ना। बांसे डेंटिस्ट, यार तुम तो बहुत बदल गई हो। क्यों, कुंगफू पांडा को सिक्स पैक आ सकते हैं तो मैं नहीं बदल सकती। वाह 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 वाह, अच्छा तुम कहाँ जा रही हो? मुंबई। अरे मैं भी तो एक इंटरव्यू के लिए मुंबई ही जा रहा हूँ। अच्छा वो छोड़ो, मुझे इतने सालों बाद पहचान भी लिया तुमने। तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ मैं, जाड़िया। ए डाइट कोक है क्या? नो क्लू। ओए अर्जुन, पिछले सेमेस्टर में मेरी अटेंडेंस कम पड़ गई, इसलिए मेरे घर वो मेल भेजेंगे, ऐसा एचओडी ने मुझसे कहा। अगर मेरे घर मेल पहुंचा तो मैं तो गई। कम ऑन, मैं हीरो। बिल गेट्स वाला दिमाग यूज करके उस मेल को डिलीट कर दो ना प्लीज। ए बासी डेंटिस्ट, मजाक कर रही हो क्या? कॉलेज सिस्टम को हैक करते हुए पकड़ा गया ना तो मेरी एलसी दे देंगे। हाँ तुम चाहो तो उस पियोन को पटा लो। अर्जुन तुम्हारे अलावा कॉलेज में ऐसा कोई नहीं कर सकता, यू द ब्राइटेस्ट बॉय यू नो। आई नो, हेल्प कर दो ना प्लीज। मैं तुम्हें एक हफ्ते तक समोसा, चिप्स, कोक, फैंटा, पिज्जा, नूडल्स, साथ में एक टब वनीला आइसक्रीम भी दिलाओगी? टू टब्स आई विल गेट यू, ओके? देखो बस डेंटिस्ट, काम हो गया, अब तुम जाओ। रियली? सो स्वीट, थैंक यू। मुझसे रिश्वत लेगा? चल बे मोटे। बस डेंटिस्ट, बस डेंटिस्ट। कैसे थे ना हम, कॉलेज के दिनों को याद करके हंसी आती है। ए माया, बोर्डिंग अनाउंसमेंट हो गई है, कम लेट्स गो। सीट नंबर क्या है? 16B। अरे सुनो, तुम इतने टैलेंटेड हो, तुम्हें तो ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका में सेटल होना चाहिए था, तुम तो यही इंटरव्यूज दे रहे हो। फॉरेन जाऊं? चांस ही नहीं है, घर से दूर जाने का तो मेरा मन ही नहीं करता। तो फिर मुंबई इंटरव्यू? एक सॉफ्टवेयर कंपनी में अप्लाई किया था तो मुझे उन लोगों ने अप्रोच किया। मैंने तो स्ट्रिक्टली कह दिया था कि होम टाउन छोड़कर मैं कहीं काम नहीं करूंगा, बस उन्होंने मेरी कंडीशन मान ली और मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लिया। ये बात है बेटा, चेन्नई में ऐसा क्या रखा है? वेट 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 वेट, अब तुम ऐसा तो नहीं कहोगे ना कि इसकी वजह एक लड़की है? नो नो, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? लड़की क्या बात कर रही हो, वो तो परी है। शी इज माय बेबी। कोई भी गधा पैसों के लालच में कहीं दूर जाकर उसका चेहरा देखे बिना कुत्ते की तरह काम कर सकता है क्या? अरे वहाँ करने की बजाय यहीं पर काम कर सकते हैं ना। Why slog there, slog here? कौन है जिसने तुम्हें वश में कर लिया? You know her, Anita. Anita, Anita कौन? Anita को नहीं जानती हो क्या? Ah, there, Anita. Wow, dude, वो तो अपने कॉलेज की भी नहीं है। अबे वो नहीं यार, फाउंटेन के उस तरफ की परी देखना। पर्सनालिटी देखकर लगता है मुझे सूट करेगी। थू, थू। देखो पूरे कॉलेज को अच्छी तरह से कवर कर लेना, ठीक है? और उसके ओह सो सॉरी। हाय, आई एम अर्जुन, एमएससी सॉफ्टवेयर, फाइनल ईयर। या हाय, आई एम अनीता, बी। हाँ पता है पता है, बी केमिकल इंजीनियरिंग, फर्स्ट ईयर। दीवान नगर में रहती हो, राइट? ओके, घुमा फिराने की बजाय मैं स्ट्रेट पॉइंट पर आता हूँ। यही कहीं पर तो था ना, वन मिनट। हाँ अरे वन मोर मिनट। ठीक है, टाइम आ you baby, please marry me. Oh, so sweet, you are so cute, nice. Nice? मैं joke कर रहा हूँ सोचकर चली गई, लेकिन मेरे प्यार का वजन ज़्यादा था ना, इसलिए वो लौट आई। उसके पास कैसे जाऊँ फिर से? I love you बोल दिया तो? या कम 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 कम। मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। क्या baby? अब तुम मुझे I love you कहने वाली हो क्या? मज़ाक मत करो अर्जुन, I am serious. इस बार semester exam में थोड़ी गड़बड़ हो गई। I am finished. पापा पता नहीं क्या करेंगे मेरे साथ, मेरी हेल्प करो ना प्लीज। जानता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11 मार्क्स फेल। ओह नो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 13 मार्क्स फेल। ओह शिट। बट बेबी यू आर वेरी इंटेलिजेंट। रियली? मैथ्स में 21 मार्क्स। दैट इज आल्सो फेल नो? या। एक बात बताओ, मेरे मार्क्स तुम कैसे जानते हो? तुम्हारे बारे में जानने के अलावा मेरे पास और कोई काम ही नहीं है। कॉलेज सिस्टम में घुसकर मैंने तुम्हारी मार्कशीट देखी थी, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ना, इसलिए बहुत सारे एक्स्ट्रा मार्क्स देकर तुम्हें मेरिट में पास करवा दिया।
so much. My pleasure. That's really nice of minute, you. You're so sweet. I love you, baby. You love me? So sweet. So cute. But no love, huh? Only chips and samosas for you, okay? Hey, dude. तू ठंडा पी रहा है, वो तेरा जोक बना के चली गई। Oh no! Hey, Anita, Anita! Hey, Anita, stop! Baby, baby. Don't call me baby. Okay? Okay. Breathe. Relax. क्यों बेबी, तुम मुझसे प्यार नहीं करती क्या? मैं मोटा हूँ इसलिए ना? Oh no no! तुम गोल मटोल अच्छे लगते हो। वो रीजन नहीं है। Actually. मेरी लाइफ का लक्ष्य कुछ और है अर्जुन, मुझे ओपरा विनफ्रे, बरखा दास, रम्या राधा कृष्णन की तरह बनना है। ये सब लोग कौन है? बिग मीडिया पर्सनालिटीज। मुझे भी उनकी तरह फेमस बनना है। सो नो लव एंड नो जोकिंग, प्लीज डोंट गेट हर्ट। ओके बाय। अनीता, अनीता, अरे बाप रे, कल ट्राई करूंगा। उस दिन उसने मुझे बाय कह दिया और साथ में कॉलेज को भी बाय बाय कहकर चली गई। बेबी तो मेरी एंजल थी, उड़ना तो उसके फितरत में ही लिखा था। क्या हमेशा खाता रहता है? हाँ, लोग प्यार में हार कर दारू पीते हैं और ये देखो चिप्स खा रहा है। गम को कम करने का तुझे और कोई तरीका नहीं मिला? हेलो, वेलकम टू टाइम्स टुमारो, आई एम अनीता। हम बताएंगे कि खाने की कौन कौन सी चीजें बहुत ज्यादा फेमस है और इस चैनल पे आके वैसे आप यहाँ पर आकर खा सकते हैं पानी पूरी, सेव पूरी, पाव भाजी और भी बहुत सारे चटर बटर आइटम। हाँ, पता है यहाँ का खाना आप खाएंगे ना तो कहीं खाने का दिल नहीं करेगा। हाँ, बहुत ज्यादा टेस्टी होता है सच में, और खाने के जो लोग शौकीन है ना उनके लिए तो ये जगह स्वर्ग से कम नहीं है। फॉलो क्यों कर रहे हो? ईव टीजिंग करते हो? आई कॉल द पुलिस। नहीं, रुको 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 रुको, वेट वेट वेट, इट्स मी अर्जुन। कौन अर्जुन? वन सेक, हां वेट। प्लीज मैरी मी, आई लव यू। ओह माय गॉड अर्जुन, तुम तो सिकुड़ गए। It's all for you, baby. गोल मटोल पपीते जैसे लगते थे, अब तो कटे मुर्गे की तरह कटे पिटे लग रहे हो। Please marry me. फिर वही जोक समझ के मुझे ना मत कहना। I'm very serious. Please marry me, baby. तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं पाऊंगा। Please. No, no. Yeah. No, no, no. Yeah. ये वाला यहाँ। Hi. You? I'll kill you. Love me, baby. Oh, नहीं नहीं। मार डालूँगी तुझे। नहीं, Anita नहीं। Love me, baby. सिद्धार्थ मल्होत्रा, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? अगर ना कहोगी तो मैं मर जाऊँगा, my baby. बोलो क्या कहती हो? Love me, baby. तुम अनीता हो ना? हाँ, आप लोग? मैं हूँ अर्जुन की माँ और ये उसके पापा। बेटा, मैंने सुना कि तुम उसे प्यार नहीं करती। तुम उसे प्यार क्यों नहीं करती? इस चक्कर में वो हमें टॉर्चर कर रहा है। उससे समझाने की बजाय आप लोग मेरे पास आए हैं। देखो बेटी, दुनिया भर से आए टॉप मोस्ट कंपनीज के ऑफर लेटर्स हैं ये सब, लेकिन मुझे अमेरिका नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, सिर्फ अनीता ही चाहिए, इस बात की जिद करके बैठा है। चलो चलो यहाँ से। नो नो वेट, आई विल टेल यू। ओके, नो नो अंकल, दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज टेल हिम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों कर रहा है ये इडियट? इतनी सारी जॉब्स छोड़ दी। दिस इज हिज फ्यूचर। मेरा फ्यूचर तो तुम हो बेबी। मैंने ये सब कैसे मिस किया? तुम कॉलेज में रहती ही कब थी? तुम तो हमेशा कॉलेज को बंग मारती थी। तुम्हारी अटेंडेंस तो मैं ही लगाता था ना। फाइनल ईयर में तो मैंने स्कोर किया था ना। ओके ओके, इंटरव्यू कहाँ है तुम्हारा? बैंड्रा। मैं तुम एक्सक्यूज मी, या सॉरी, थैंक यू।
चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। थैंक यू। मेरे बॉस के घर पर कुछ डॉक्यूमेंट्स देने जाने हैं, बस 2 मिनट लगेंगे। हाँ ठीक है। वैसे माया, यहाँ तो रिसेंटली कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ना, हम जा रहे हैं वहाँ कुछ फटने वाला तो नहीं है? वो दूसरा एरिया था, दादर। इंसान ही नहीं है वो। छह, अगर वो बॉम्ब लगाने वाला मेरे हाथ लग गया ना तो उसकी पैंट उतार कर उससे भी बड़ा बॉम्ब लेकर। वेलकम टू मुंबई। थैंक्स। छोड़ो उसे। तुम सोच रहे होगे कि मुझे कहाँ देखा? हाँ लेकिन सर, आप हैं कौन और हमें इस तरह लाने का मतलब क्या है? सर की जरूरत नहीं है, मुझे प्यार से लोग अशोक कहते हैं। उस लड़की ने तेरा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दे उसको। छोड़ दूंगा, लेकिन मेरा एक काम करना होगा। क्या कहा? मैं तेरा कोई काम नहीं करूंगा, छोड़ उस लड़की को। तेरा काम करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन उसको छोड़ दे। गुड। फ्लैश नेटवर्क का नाम सुना है क्या? उसके लिए मुझे कैद करने का क्या मतलब है? नाम पता है? नहीं। हाँ पता है, पर मुझे उससे क्या? बताता हूँ, उस नेटवर्क को क्रैश करोगे मेरे लिए। व्हाट? तुम क्या कह रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। समझाता हूँ। फ्लैश नेटवर्क एक सर्वर है, ऊपर सैटेलाइट, और यहां लोग फ्लैश नेटवर्क के चैनल्स को ऊपर सैटेलाइट पर ट्रांसफर करने के लिए नीचे से अपलिंक करते हैं, और उन्हीं चैनल्स को तुम्हारी छत पर लगी डिश डाउनलिंक करती है। उस सैटेलाइट के फ्लैश नेटवर्क के ट्रांसपोंडर को तुम क्रैश करो तो क्या होगा? नो नेटवर्क, नो मोर फ्लैश एंटरटेनमेंट। तो मेरा ये काम कर दो और अपनी जान बचाओ। मजाक कर रहे हो क्या? मुझे वो सब करना नहीं आता। अर्जुन, MSc सॉफ्टवेयर, यूनिवर्सिटी फर्स्ट, गोल्ड मेडलिस्ट, दुनिया के हर ऑपरेटिंग सिस्टम को कुरेद कर कंप्यूटर के दिलो दिमाग को अच्छी तरह जानने वाला, अपने बाथरूम में बैठकर कैलिफोर्निया के कंप्यूटर में घुसने वाला। तुम्हारी समझदारी से कोई आबाद हो सकता है, बर्बाद भी हो सकता है। मैं बर्बादी चाहता हूं। मुझसे नहीं होगा। तुझे शर्म नहीं आती औरत पे हाथ उठाकर? यस और नो, बोलो। मैं ये नहीं करने वाला। छोड़ दे उसे, वो मर जाएगी। छोड़ उसे। ठीक है, मैं तैयार हूं। तेरा काम करूंगा मैं तैयार हूं, तेरा काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उस लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए। ये सेटअप काफी है ना?
थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे। तुम्हें जितना टाइम चाहिए ले लो, लेकिन इसके पास सिर्फ 10 मिनट ही हैं। जल्दी काम करो। तुम्हें फ्लैश नेटवर्क का टर्न ओवर पता है? एक दिन का 300 करोड़, 10 दिन रुका तो 3000 करोड़ का लॉस हो जाएगा। अर्जुन, 5 मिनट रह गए हैं। अर्जुन अर्जुन अर्जुन, आई थॉट यू आर ए ब्रिलियंट मैन। टाइम इज रनिंग आउट, सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं। मैंगो। Hey, what's happening? पूरा चैनल कैसे क्रैश हो सकता है? What's happening, man? तुम्हारा काम हो गया, अब छोड़ो इसे। इतनी जल्दी क्या है? अभी तो शुरुआत है। It's just a beginning. तुम्हें मेरे लिए अब और भी बहुत कुछ करना है। इसके साथ तुम भी मिली हुई थी। सॉरी अर्जुन, तुम्हारा गुस्सा मैं समझ सकती हूँ। पूरी बात बताने का टाइम नहीं है। प्यार से कहती तो तुम ये करते नहीं। तुम अच्छी तरह जानती थी कि आज मेरा इंटरव्यू है, उसके बावजूद मुझे यहाँ फंसा दिया तुमने। रिलैक्स, तुम इंटरव्यू में पास हो गए। तुम्हें काम पर लगे 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। व्हाट? वो कंपनी हमने ही बनाई थी। तुम्हें आए सारे लेटर्स पर अशोक के ही सिग्नेचर थे। आई एम सॉरी। अरे बाप रे बाप रे बाप, तुम वही लड़की हो? चांस ही नहीं है। इतने मासूम चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर इतना बड़ा कांड करवा दिया तुमने मुझसे। सब लोग मुंबई में इस तरह वेलकम करते हैं क्या? देखो अर्जुन, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम जो कहेंगे वो चुपचाप करते रहना। ए, बात मत करो मुझसे। अरे शहर में कितने सारे हैकर्स हैं, लेकिन उन सब में तुमने मुझे निशाना बनाया और इस शैतान के हाथों में सौंप दिया। रिलैक्स मैन, तुम्हें पता है उस नेटवर्क को मैंने तुमसे क्रैश क्यों करवाया? नहीं जानता। क्योंकि उसके प्रोग्राम्स मुझे पसंद नहीं थे। अच्छा, जोक था। शहर में बॉम्ब रखने वाला अगर टेररिस्ट है तो तुम्हारा ये सब करना भी एक टेररिज्म है। उनमें और तुम्हें कोई फर्क नहीं है। थोड़ा सा फर्क है। उस दिन मैंने सिर्फ टी शर्ट पहनी थी और आज जैकेट पहनी है। यू तो पुलिस वाले पूरे शहर में तुम्हें ढूंढ रहे। तुम्हें तो ना पुलिस को फोन करके। वेयर इज माय फोन? Thank you.
सरप्राइज सरप्राइज ओह गॉड बेबी कम 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 ओह बेबी सरप्राइज कैसा लगा हाय अशोक हाय माया हाय हे मैंगो हाय नाइस टू सी यू ऑल तुम यहाँ कैसे ओके वेट क्यू टीवी में मेरा जो इंटरव्यू हुआ था ना फर्स्ट राउंड में ही मेरे टैलेंट को देखकर सब फिदा हो गए मुझे सिलेक्ट कर लिया और मैं क्यू टीवी रिपोर्टर बन गई हूँ अब मैं रहूंगी तुम्हारे साथ व्हाट तुम्हें सच में सिलेक्ट किया है क्या क्यों कोई डाउट है क्या अरे नहीं 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 आई एम सॉरी ऐसा नहीं है बेबी तो फिर ये सब पहले क्यों नहीं पता सस्पेंस रखने के लिए कहा गया था सस्पेंस की ऐसी की तैसी मुंबई आने के बाद क्यों नहीं बताया तुम्हें नहीं बताना है स्ट्रिक्ट वार्निंग थी तुम्हें मना करने वाला है कौन इसने कहा था क्या तुम्हें टोटल सरप्राइज देंगे ऐसा अशोक का प्लान था एंड यू नो व्हाट मेरे इंटरव्यू में माया ही कोऑर्डिनेटर थी अब समझ में आया कि तुम्हें क्यूटीयू में काम तुरंत कैसे मिल गया तुम इतने स्मार्ट जो तो तुम्हारा काम कैसा रहा अशोक अर्जुन ने कैसा परफॉर्म किया बहुत ही बढ़िया शहर भर को हिलाने की हिम्मत है इसमें पार्टनर बनाने की सोच रहा हूँ इसे पार्टनर्स पता नहीं उसके बाद ये कहाँ तक चला जाएगा और कहाँ जाऊँ सीधा जेल ही जाऊँगा सब कुछ सपने जैसा लग रहा है बेबी बेबी बाहर आओ एक सेकंड इधर आओ आओ ना लिसन टू मी तुमने क्या बेवकूफी की है पता है तुम्हें उसे मत डांटो उससे मैंने ही कहा था तुमसे कुछ ना कहे अच्छा तेरी तो या ओके बेबी मेरा टाइम हो रहा है पहले दिन लेट जाना ठीक नहीं होगा ना फर्स्ट टाइम आई एम रिपोर्टिंग ना हगी टाइम हनी मेरी बात तो बाद में ओके आई विल सी यू बाय बाय ओह गॉड बाय बाय गाइस सी या बाय अनीता अनीता लिसन टू मी अनीता स्टॉप अनीता 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 हमारी स्पेशल गेस्ट है तुम उसका ख्याल रखो हाउ स्वीट थैंक यू सो मच बाय ए, तुमने से अनीता के पीछे जाने के लिए क्यों कहा अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं अर्जुन वो तुम्हारे हाथ में है अनीता को कुछ बताया तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा बचने के लिए कोई बेवकूफी मत करना लेट्स मेक इट सिंपल तुम जाओ क्या बात है मुझे सिरीश शर्मा से मिलना है मैं उनका ऑडिटर और पर्सनल एडवाइजर हूँ जो भी बात है मुझसे कर सकते हो तो बताओ उसकी जगह तुम्हें जेल में डाल दो क्या पूछताछ करने आया हूँ बेहतर होगा मुझे मजबूर मत करो प्लीज कॉपरेट वो यहाँ पर नहीं है रिसेंटली ब्लास्ट में बर्बाद हुई तीनों ही बिल्डिंग सिरीश शर्मा की थी जो टीवी नेटवर्क क्रैश हुआ वो भी सिरीश शर्मा का ही था तो इस टेररिस्ट अटैक और सिरीश शर्मा में कुछ तो लिंक जरूर है सी आई डोंट हैव मच टाइम उस हादसे में कितना नुकसान हुआ है पता है तुम्हें इस तरह की पूछताछ के लिए मत आओ वरना तुम ही मुसीबत में फंस जाओगे यूनिफॉर्म पहन लिया तो कोई भी इल्जाम लगा दोगे बॉम्ब लगाने वाले का पता लगाओ अब जाओ इसी यूनिफॉर्म की जरूरत एक दिन तुम्हें भी पड़ेगी श्री शर्मा लमा सा बोल आप नहीं हो कहकर मैंने उसे भगा तो दिया है लेकिन आप मिस्टर साहब से बात कर लीजिए मिस्टर श्रीराम राघवन यस ये मेरे पार्टनर मिस्टर अर्जुन हेलो सर कुछ 100 करोड़ इन्वेस्ट करना चाहते हैं किस में लगाएं वेट वेट कौन हो तुम लोग अचानक 100 करोड़ 200 करोड़ लगाने की बातें कर रहे हो मुझसे मिस्टर श्रीराम राघवन आप ही हैं ना द ग्रेट फाइनेंशियल एडवाइजर पूरे शहर के सभी अमीरों के पैसे तुम ही हैंडल करते हो ना मेरे बारे में काफी जानकारी इकट्ठा कर रखी है तुमने कौन हो तुम लोग इनकम टैक्स वाले या सीबीआई वाले किसने किसको कितना दिया वो पैसे कहाँ रखे हुए हैं सारी डिटेल्स मुझे अभी चाहिए दोगे तो चला जाऊंगा मेक इट सिंपल मुझसे उलझने की कोशिश करोगे तो बहुत बुरा होगा बेहतर होगा कि निकल लो यहां से गेट आउट आई सेड मेक इट सिंपल ये तुम इसे प्यार से समझा सकते हो डिटेल देखो या चांद से हाथ धोकर देगा इस तरह मारता है क्या मारो तुम लोग पूछ अपने पति से तुझे क्या लगता है तेरे डराने से मैं दे दूंगा ये जो मांग रहे हैं उसे दे दो वरना बच जाओगी मैं भी बुरी तरह फंसा हूँ मैंने जो पूछा है चुपचाप बता दे सिंपल सिंपल या डिफिकल्ट मेरी जान भी चली जाए ना तो अभी मैं नहीं बताऊंगा
क्या सर, मैं आपसे कह रहा हूँ वो उल्टी खोपड़ी का है, उसे झगड़ा करके कोई फायदा ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ उसके पास मानो। सर रुको रुको, ए, पागल हो गए, बच्चे को मारोगे? ओ हीरो, अगर पास आया तो इस बच्चे का चेहरा जला दूंगा। प्लीज इसे छोड़ दो। तुम मरेगा आज। मेक इट सिंपल मिस्टर श्री राम। क्यों जिद कर रहे हो? वो जो मांग रहा है उसे दे दो ना। मैडम तुम तो समझने की कोशिश करो। कुछ मत बताना, कुछ मत बताना। ओए तुम चुप रहो। मैडम तुम बताओ कहाँ है? कुछ मत बताना। मैं बताती हूँ। नहीं चुप रहो। वहाँ अंदर कपट में। ये क्या कर दिया तुमने? अब वो लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। मैं क्या करती? बच्चे को मरने देती? अर्जुन यो कर रहा हूँ। ए उसे मत खोलो, मत खोलो उसे। भगवान आपको जो चाहिए था आपको मिल गया। अपनी बच्ची को छोड़ दो। Hey, मुझे एक लैपटॉप और एक हार्ड डिस्क मिली है इसके लॉकर में। अब उस बच्चे को छोड़ दो जल्दी। मुझे दे दो वो। मत ले जो। दो मुझे वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। दे दो मुझे। चलो। Hey, तुमने जो मांगा था वो मिल गया ना, तो फिर इसे क्यों मारा? उसका वक्त पूरा हो गया था। अर्जुन बेबी, देखो मैं क्या लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। हाउ स्वीट। तुम्हें जरूर पसंद आएगा। हे, मीटिंग के बाद से तुम ऐसे ही मुंह लटकाए बैठे हो, कुछ हुआ है? उस जगह पर जो कुछ भी हुआ वो अर्जुन को पसंद नहीं आया। तो अपसेट मत हो बेबी, आई एम श्योर अशोक ने हैंडल कर लिया होगा, डोंट वरी। वही तो हुआ था, है ना? पता है माया, हम क्या करेंगे, वहाँ पर पहुँचने के बाद ना हम उसे एक कॉल कर लेंगे, ठीक है? You know what? मेरे जो लास्ट बॉस थे ना, बहुत इंटरेस्टिंग थे, सच में। एक बार ऐसा, मुझे छुट्टी चाहिए थी और उसी दिन बेबी का बर्थडे था, तो वो भी नहीं आने वाले थे। उससे भी बड़ा जो किया हुआ, कुछ नहीं हुआ अशोक, अर्जुन ने हाथ काट लिया, बैंडेज लगा देंगे, ठीक हो जाएगा। नो माया, सेप्टिक वेप्टिक हो गया तो वी शुड गो टू द डॉक्टर। नो कॉल द डॉक्टर प्लीज, डॉक्टर को कॉल कर। ओके लेट्स गो टू द हॉस्पिटल। कहाँ है? अभी पीछे छोड़ा हूँ। प्लीज प्लीज देखो ना कितना खून बह रहा है बेबी। गिफ्ट दिया था, इसने ओपन किया और इसे एक खरोंच आ गई। आई एम सो सॉरी बेबी। हाथ सीधा रखो बेबी, बहुत दर्द हो रहा होगा ना। किसे ढूंढ रहे हो अर्जुन? आराम से। किसी को नहीं, धीरे से लगाना, उसे ज्यादा दर्द ना हो, संभाल के ये अच्छा हो जाएगा ना, ज्यादा दिन तो नहीं लगेंगे ना। डॉक्टर दैट्स इनफ, थैंक यू। अर्जुन वेयर आर यू गोइंग? अर्जुन बेबी रुको। अर्जुन कहाँ जा रहे हो? अर्जुन व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? बेबी कहाँ जा रहे हो? ओह शिट अर्जुन, छोड़ो मुझे, छोड़ो। गलत करने जा रहे हो, इसीलिए तुमने ये ड्रामा किया था ना। रुक जाओ अर्जुन, प्रॉब्लम हो जाएगी। एक्सक्यूज मी सर। बेबी तुम भी उन्हें जानते हो? बेबी सुनो तो बेबी। हाय सर, आप इंस्पेक्टर प्रकाश है ना? यस। ग्लैड टू मीट यू सर। बेबी एक मिनट रुको ना प्लीज। सर आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है मुझे। कहिए। Yes. So
तो मुझसे कुछ कहना चाहते थे? सर, वो मेरी कार कीज खो गई है सर। बेबी, शट अप। ये कितने बड़े ऑफिसर है पता है तुम्हें? इनसे तुम कार की के खोने की कंप्लेंट कर रहे हो? We are really sorry, sir. I'm Anita, sir, from QTV. मुंबई में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुई थी उस पर एक छोटी सी स्टोरी कर रही हूँ सर, उस पर आपका एक इंटरव्यू मिले तो अच्छा होगा। 15 मिनट्स सर। सॉरी, डोंट माइंड, मैं यहाँ अपनी बीवी के चेकअप के लिए आया हूँ, तो कोई इंटरव्यू नहीं, जो भी बात करनी है ऑफिस में आकर करो। हाय मैम। हाय। हाय सर, आपकी वाइफ बहुत सुंदर है सर। बेबी है या बाबा फिलहाल हम नहीं जानते सर। ठीक है, आपको बाबा हो या फिर बेबी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर मत बनाना उन्हें प्लीज। वेरी फन। वैसे आप हफ्ते में और कुछ है क्या? ये ऑडिटर श्रीराम राघवन का केस फाइल है। गुड, चेक दिस। हम जिस केस की कार्रवाई कर रहे हैं उसका और इसका क्या लिंक है? हाय, मैं श्री शर्मा से पूछताछ करने गया था तो वहाँ श्रीराम राघवन मिला था, वही श्री शर्मा का ऑडिटर है। और साहब, घटनास्थल पर कार की ये चाबी मिली है। वहाँ पे और भी कुछ मिला या फिर? ये चाबी किस गाड़ी की है बता जरा। हाँ साहब, अभी बताता हूँ। साहब, ये व्हीकल अर्जुन के नाम पर रजिस्टर्ड है। इसे कुछ दिन पहले अस्पताल में देखा था। ये मुझसे इस की के खोने की बात कर रहा था। इसका इस केस से कोई ताल्लुक है। आई थिंक दिस इज द गाय वी शुड लुक फॉर। इमीडिएटली कोहिनूर हॉस्पिटल पहुंचो और जिस दिन मैं गया था उस दिन के सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करके ले आओ। उसके साथ एक लड़की भी थी, उसका नाम आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग हर नेम इज अनिता। वो कह रही थी कि वो किसी टीवी चैनल में काम करती है। क्या फ्लैश टीवी? नहीं नहीं, वो नहीं, वो तो कोई बकवास चैनल का नाम दे रही थी। बकवास चैनल तो सिर्फ क्यूटीवी है। क्या कहा तुमने? क्यूटीवी। यस, क्यूटीवी, क्यूटीवी। खलील, इमीडिएट क्यूटीवी पहुंचो, इस अनिता का पता लगा और यहाँ ले आओ। इंसान हो या शैतान, कितनी आसानी से तुमने एक इंसान की जान ले ली। इसमें से तुम्हें कोई डेटा नहीं मिलेगा। एक मिनट रुको। ओए, मैं तुमसे बात कर रहा हूं और बगैर सुने कहां जा रहे हो? मैंगो, ठीक 6 बजे तक मेरा इंतजार करना। तब तक मेरा फोन कॉल नहीं आया तो अनिता को टपका देना उसी वक्त। छोड़ो, छोड़ो मुझे। तुम्हें ये सब तोड़कर क्या मिला हा? इसमें जो डेटा है उसे अभी भी रिकवर किया जा सकता है, ये सभी जानते हैं। कॉम्प्लिकेशन नहीं, मेक इट सिंपल। छह बजे, भूलना नहीं। मैडम, मैं सीधा पॉइंट की बात करता हूँ। उस दिन जो आए थे उनका आपके पति से क्या नाता है? वो कौन थे मेरे पति भी नहीं जानते थे। उनके क्लाइंट्स के इस देश के बाहर बहुत सारे बैंक अकाउंट्स हैं। उन अकाउंट्स की डिटेल्स ले गए और मेरे हस्बैंड को मार दिया। आपके हस्बैंड किस किस के अकाउंट्स देखते थे ये आप जानती हैं? क्या सर, आप भी उनके कातिल का पता लगाने की बजाय आप मुझसे पूछताछ कर रहे हैं? आखिर मैं कितनों को जवाब दूंगी? अब मैं थक गई हूँ यहाँ आते आते। इसे पहचानती हैं आप? सर, ये वही है, यही उस दिन हमारे घर आया था। जोशी, श्योर, ठीक से देखकर बताइए, आपके हस्बैंड को मारने वाला यही था ना? नहीं, ये नहीं, ये घर जरूर आया था लेकिन इसने खून नहीं किया, ये तो हमारी हेल्प कर रहा था। मेरे पति का खून इस आदमी ने किया है, ये जो पीछे खड़ा है इसी ने मारा है। We got the guy, sir. Arjun, a computer hacker from Chennai. ये भी सिर्फ एक मोहरा है। इस हादसे में अर्जुन को सिर्फ एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया गया और वो किया इस आदमी ने। I'll soon get him, sir. Sir, let's keep it simple and straight. आपका और श्री शर्मा का क्या रिश्ता था? तुम्हें क्यों लगता है कि मेरा कोई रिश्ता था? ए, साला निगा। बताता हूँ सर। सर, रिसेंटली जो टीवी नेटवर्क क्रैश हुआ वो श्री शर्मा का था।
जिन बिल्डिंग्स में बॉम्ब ब्लास्ट हुए वे भी श्री शर्मा के ही थे। इसके अलावा वह श्री राम राघवन ऑडिटर जिसका हाल ही में खून हुआ, वो ऑडिटर सिर्फ श्री शर्मा का ही नहीं बल्कि शहर के और कई बड़े लोगों का अकाउंट देखता था, उसमें आप भी शामिल हैं। श्री शर्मा से आपके क्या संबंध है हमारा डिपार्टमेंट जानता है। सर, वो टेररिस्ट श्री शर्मा को कंधा बनाकर लगता है आप पर निशाना साध रहा है। मुझसे इंक्वायरी कर रहे हो क्या? नो सर, आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन हमारे लिए यूजफुल हो सकती है। डीसीपी, क्या हुआ इसको? मैं एक होम मिनिस्टर हूं, मुझसे कम से कम 100 बिजनेसमैन रोज मिलते हैं, ये कोई गुनाह है? श्री शर्मा मुझे सिर्फ जानता था, इसके अलावा कुछ नहीं। He is just an acquaintance. माया, ये इमरान है। हयात होटल के रूम नंबर 902 में रुका है। ओके। महादेव राणे और उसके पार्टनर श्री शर्मा के साथ इसकी मीटिंग उसी होटल में है, इसकी जगह मैं जाऊंगा। Hi, 9th floor, please. Me too, same floor. Oh. Oh, sorry. It's okay. Pleasure is mine. Excuse me, if you don't mind, एक छोटा सा फेवर। हाँ कहिए ना। मेरा रूम ओपन करना है, so. Of course, sure. Keys. Please. Thank you so much. क्या यार तुरंत गन तान लेते हो? ये सब दिमाग से जुड़ी बातें होती हैं। K2K7NL memory card. 386 megahertz multi-speed cursor board. Lead lithium monoblock SD card. तुम जो बोल रहे हो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सारे पार्ट्स नहीं मिले तो काम नहीं हो पाएगा। चलो शॉपिंग करने चलते हैं। hey, तुम लिख कर दे तो मैं ले आऊंगा। ए, इसमें पूरे 9 वर्जन आते हैं। वर्जन 6.4 मत लेकर आना, इसमें लगेगा नहीं। वर्जन 8.6 जो है ना, वो भी सेट नहीं होगा। हाँ, लेकिन वर्जन 3.7 अगर लाना हो तो मेरी बात को गौर से सुनो। उसमें भी तीन टाइप होते हैं, रेड ग्रीन तो वेस्ट है, ब्लू ही सेट होगा। लेकिन ब्लू में भी चार लेवल होते हैं। कुछ समझ में आया? ए, शरारती मत बनो। इसी के लिए बुलाया था ना? फिर किस लिए बुलाया था? बताती हूँ। वाओ, कम ऑन बेबी, अब और इंतजार मत करो। या कम ऑन। ये क्या? इसी के लिए बुलाया था। हे, मेरा रूम की। डॉग की तरफ पीछे क्या आ रहे हो? लगता है तुम ही फंसा दोगे मुझे। मैं कहीं नहीं जाने वाला। ओह, दैट वे। फॉलो करो। प्यार कोई पिज्जा, पास्ता या डोनट की तरह नहीं है। प्यार कहीं भी मिल सकता है, एसएमएस पर, ओह शिट, फोन पर। सॉरी, आई विल डू इट वन मोर। हां, मैंगो होल्ड। हां, हेलो, आई एम रियली बिजी राइट। अनीता, अर्जुन, बेबी, ये किसका नंबर है? मेरी बात ध्यान से सुनो, बस जवाब में आई लव यू ही कहना और कुछ मत कहना, समझ रही हो ना?
नॉटी। अरे बुद्धू, तुम जैसे समझती हो अशोक और माया अच्छे इंसान नहीं है। आई लव यू। मुंबई में अभी सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ना, उसके पीछे अशोक का ही हाथ था। ही इज अ ब्लडी टेररिस्ट। आई लव यू। एक मिनट रुको। तुम मैंगो के साथ हो ना, वो अच्छे इंसान बनने का नाटक कर रहा है, वो भी एक किलर है, तुम्हें मारने के लिए वो तुम्हारे पीछे घूम रहा है। आई लव यू। अनीता, मैंगो से बचकर निकलो, सीधा तुम गेस्ट हाउस जाना, सारा सामान तुम पैक करके रखना, वहां मैं या तो पुलिस आ जाएगी। ओके। आई लव यू। आई रियली लव यू बेबी, निकलो वहां से प्लीज। आई लव यू। कौन था? आई लव यू। सॉरी सॉरी, घर चलें क्या? ऐसे अचानक क्यों? कौन था फोन पर? टीवी चैनल। कौन से? आई लव यू कह रही थी। आई लव टीवी चैनल। बेटा होशियारी नहीं, गोली चला दूंगी। मिस्टर इमरान। इमरान हियर। ये आपकी आवाज को क्या हुआ? खांसी। बोलिए सर, आपका वेट हो रहा है, आप 702 में आइए। आई विल बी देयर। सर मेरा फोन यहीं पे था। अरे, where did it go? सतीश, मुझे कहकर गया कि उसे कुछ पार्ट्स चाहिए। Come on. हेलो सर, मेरा नाम अर्जुन है। अस्पताल में हम लिफ्ट में मिले थे, याद है? मैंने आपसे आकर कार कीज खोने की कंप्लेंट की थी। कुछ याद आया सर? अर्जुन कहाँ से बात कर रहे हो? सर, अभी वो जरूरी नहीं है। मेरी जो गर्लफ्रेंड है ना अनिता, वो मेरे साथ लिफ्ट में भी थी, क्यूटी रिपोर्टर। उसे मडाइलैंड के शालीमार गेस्ट हाउस में कैद करके रखा है। इमीडिएटली आप वहां जाकर उसे बचाइए प्लीज। अर्जुन देखो वो सब बात। आप जिस टेररिस्ट अशोक को ढूंढ रहे हो, वो अनिता को कैद करके मुझे धमका रहा है। वो भी उस दिन चश्मा पहनकर हमारे साथ लिफ्ट में था। सर मैं उसका एड्रेस बता दूं। क्यों भाई ऐसे भाग कर क्यों चले आ गए? कुछ नहीं, जो चाहिए था मिल गया। चलो। शिट। नंबर ट्रेस किया? नहीं सर, चल रहा है। मेक इट फास्ट। इस कॉल की लोकेशन पता करके मुझे इमीडिएटली इन्फॉर्म करो। थैंक यू। बैठो बैठो। दुर्रानी को तुम्हें सौंपने के लिए मिनिस्टर तैयार है। जैसे कि बात हुई थी, अमाउंट उनके ऑफिशियल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है ना? क्या हुआ, कोई परेशानी है? अमाउंट कम हो सकता है क्या, ये पूछना था? इमरान तुम्हें पता है कि इसमें कितना बड़ा रिस्क है? ऐसे खतरनाक टेररिस्ट को मैं तुम्हें एक खरों चाय बिना सौंप रहा हूं। आई बात समझ में? इसलिए $10,00,000 में $1 भी कम नहीं होगा। तेरी जाओ। ऑफिशियल अकाउंट का नंबर क्या है? दुबई से आ रहा ना तू? हाँ? ए, कौन है तू? छोड़ूंगी नहीं। तुझे ही मारने आया था, लेकिन तेरी बातों से ऐसा लग रहा है कि आगे चलकर तू मेरे बहुत काम आएगा। ब्लडी हेल। प्रकाश सर, श्री शर्मा को उठा लिया गया है। अशोक के अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। सभी स्टेशन को अलर्ट कर दो। सर, ए ऑफिसर, तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, ये मुझे नहीं पता। अगले 2 घंटों में मैं श्री शर्मा का चेहरा देखना चाहता हूँ। He is just an acquaintance. आप किसी बिजनेसमैन के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? ऑफिसर, उसका मिलना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैंगो। हाँ? मेरा बहुत सर दुख रहा है।
हाँ? मैं ऊपर जाकर सो रही हूँ। अरे रुको, मैं दवाई लेकर आता हूँ। सो लूंगी तो ठीक हो जाएगा। ओके। गरम कॉफी? नहीं, नहीं चाहिए। अभी भी 15 मिनट बाकी है, काम खत्म हो गया। 6 बजे तक करने का कोई चांस ही नहीं है। ये कौन है, एक और हैकर है क्या? तुम बोर हो जाओगे इसलिए, तुम्हारी कंपनी के लिए। बोलो मैंगो। अनीता को एक फोन आया था और जवाब में सिर्फ किसी को आई लव यू बोले जा रही थी। फिर सरदर्द का बहाना करके घर आ गई, अब ऊपर कमरे में जाकर अपना बैग पैक कर रही है। पक्का अर्जुन ने ही फोन करके वार्न किया होगा। मैंगो, 6 बजे तक इंतजार मत करो, अनीता को टपका दो। गन को नीचे करो, नीचे करो, ड्रॉप द गन। अगर अनीता को कुछ हो ना तो मैं तेरा भेजा उड़ा दूंगा। अच्छा जरा उड़ा के दिखा तो। अनीता, मैं सर दर्द की दवा लेकर आया, तुम जरा दरवाजा खोलोगी? नो, मुझे नहीं चाहिए। माया, अर्जुन, अशोक को कुछ भी हुआ तो तुम भी नहीं बचोगे। जी हो मेरी जान। क्या मजाक लग रहा है? अर्जुन, अनीता को कुछ नहीं होगा, मेरा भरोसा करो। ए चुप, इतना सब होने के बाद भी मैं तुम पर भरोसा करूं? उस टकले को फोन करो और कहो उसे कि अनीता को कुछ ना करे। अर्जुन, डोंट बी स्टूपिड। ए, फोन करना। अनीता, दरवाजा खोलो। माया, अर्जुन को शूट करो। ए, तू पागल है क्या? मुझे मारेगा तू? माया शूट। माया, माया किल हिम। माया, माया मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। Relax.
कमांड फास्ट। Freeze, don't move. तुम जैसे इंसान का यही अंजाम होता है। ये अंजाम नहीं है, शुरुआत है। इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राग है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा। बुझे सिगरेट पीढ़ी, दिखे चलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। उसकी तरह धोखाधड़ी करना नहीं आता और आपने मुझे ही हथकड़ी पहना कर रखी है, जबकि मैंने ही तो सर आपको फोन करके बुलाया था। अनीता को अपने कैद में करके उसने मुझे डराया, तभी तो मैंने सारे काम किए। उसने जो बॉम्ब लगाए, खून किए, वो सारी सच्चाई तो मैंने बता दी है आपको। उसे छोड़ना मत सर, उसे ना एनकाउंटर वेनकाउंटर कुछ भी करके मार डालो सर, यू जस्ट किल हिम। हाँ, और सर उसके साथ माया नाम की एक लड़की घुमा करती थी, उसे आपने पकड़ा क्या? उसे भी जल्दी पकड़ लेंगे। सर 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 अनीता कहाँ है सर? शी इज सेफ। सर अगर आप परमिशन दे तो मैं उसे मिल सकता हूँ प्लीज? आई एम रियली सॉरी बेबी। अक्कल है कि नहीं तुम्हें? पहले नहीं बता सकते थे? मुझे कुछ हो जाता, मुझे मार देते तो? ओ बेबी, मुझे समझने की कोशिश करो। No. बता देता तो वो तुम्हें मार देते। No. देखो अनीता, मैंने कोशिश भी की, कैसे कैसे हिंट दिए थे तुम्हें, लेकिन तुमने ये लोग बहुत अच्छे हैं सो स्वीट कहकर सर पे चढ़ा रखा था, तो मैं क्या कर सकता था बेबी? ओके बेबी, आई एम रियली सॉरी। हम यहाँ नहीं रहेंगे, आज ही चलते हैं, ठीक है? बेबी हम लोग ऐसे अचानक नहीं जा सकते हैं। कम सिट हियर। लिसन, अशोक के खिलाफ गवाही देने के लिए मैंने पुलिस को हां कहा है। उन्हें इकट्ठा अंदर करवाएंगे तो ही हम खुश रह सकते हैं। या हु इज दिस? ए कम ऑन मूव माया। ए चुप, आवाज नहीं सुनो। अर्जुन, किसे पकड़वाया तुमने? मुझसे गलती हो गई, अशोक के कहने पर शूट कर देना चाहिए था। गलती तो मुझसे हो गई, उस दिन उसे पुलिस में पकड़वाने की बजाय ऐसे ही मार डालना चाहिए था। ए अशोक के बारे में तुम जानते क्या? पूरा शहर जानता है कि वो एक खतरनाक खूंखार आतंकवादी है, पैसों का लालची है, वो थर्ड रेटेड क्रिमिनल, ही इज अ ब्लडी किलर। अरे चुप, बकवास बंद कर। उन लोगों के साथ क्या जुल्म और अन्याय हुआ है तुम्हें नहीं पता, धोखे का क्या घाव होता है तुम नहीं जानते, मौत का गम तुम नहीं समझोगे। अशोक कोई टेररिस्ट नहीं है। हमारे देश के खिलाफ आतंकवाद का खतरा जब से बढ़ा है, तब से मुंबई पुलिस ने एक स्पेशल फोर्स तैयार किया है, वो है एंटी टेररिज्म स्क्वाड ATS। अपनी बहादुरी और ताकत से लायंस लिबरेशन ग्रुप के लीडर दुरानी को सिर्फ कैद ही नहीं किया, बल्कि उन सभी नादान बच्चों को भी उनकी कैद से छुड़ाया है। हमारे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस संजय और बॉम्ब स्क्वाड स्पेशलिस्ट अशोक को यह श्रेय जाता है। इस बटन को दबाने से सिर्फ मैं या तुम लोग ही नहीं, साथ में ये बच्चे लोग भी उड़ जाएंगे। हालात क्या है? अगर वो फटा तो उसके आसपास के 300 मीटर की दूरी तक सब कुछ छुट जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उसे जिंदा पकड़ना पड़ेगा। ए, आपस में क्या बात कर रहे हो? मुझसे बात करो। संजय, हरा काटूं या फिर लाल? ए, बॉम्ब एक्सपर्ट तो तू है। डर लग रहा है क्या? मैं भला क्यों डरूं? मुझसे ज्यादा मेरी जान की परवाह करने वाला तू जो मेरे साथ है, तू गलत नहीं काटेगा, भरोसा है। लाल या हरा? Then blue it is। मरोगे तुम सब, ये मत समझना कि हमारा जिहाद मेरे साथ खत्म हो गया। क्यों बे कुत्ते, तू बहुत चिल्ला रहा, इसकी जबान काट लूं क्या? गृह मंत्री होने के नाते मैं आज यहां आप लोगों को एक खुशखबरी देना चाहता हूं। आप सभी पुलिस वाले
जब आतंकवादियों का सामना करें तो किसी भी तरह से क्या लिखा है? डर। आपके मन में किसी तरह का डर ना हो, इसलिए हमारी सरकार ने हेलमेट, बुलेट प्रूफ जैकेट आप लोगों की रक्षा में देने का फैसला किया है। फुल सेफ्टी, बेस्ट क्वालिटी। सर, वन सेकेंड। यार अशोक, मुझे टेंशन हो रही है यार, कैसे शांत करूंगा उसे पता नहीं। संजय, तू एक पुलिस वाला है यार, बड़े बड़े अपराधियों से निपटता है, और बीवी का जन्मदिन भूल गया तो हालत पतली हो रही है। रिलैक्स, मर्द बन यार। मजाक मत करो, अभी जो बॉम्ब फटने वाला है उसे कैसे डिफ्यूज करूं? ये बुके उसे दे, पैरों पर माथा पटक दे, सरेंडर कर दे, और कोई रास्ता नहीं है। मेरा पीछा करना छोड़ दो, मुझे तुम्हारे बुके नहीं चाहिए। सुनो नंदिनी, keep it to yourself। नंदिनी, नो, बेशरम होकर मैंने अपना बर्थडे याद दिलाने के लिए खुद तुम्हें कॉल किया। नहीं, और तुमने वो कॉल भी काट दिया। नहीं यार, I want a medal baby, देखो। नो, नंदिनी, अभी बात है नंदिनी। हाय, अशोक से सीखो, कल रात ठीक 12 बजे इसने मुझे कॉल करके विश किया। He's so sweet। ठीक तो हो ना अशोक? ए, तूने कब विश किया बे? कल एक्स्ट्रा राउंड के बाद तुझे लगा मैं चादर ओढ़ के सो रहा हूँ, तब किया था। तेरी तुम। नंदिनी, 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 सॉरी नंदिनी। I hate you, संजय। हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। सॉरी ना। Let's divorce. I'll take care of my baby. क्या यार, तुम्हारे बर्थडे के शुभ दिन पर तू ऐसी अशुभ बातें क्यों कर रही हो नंदिनी? अंकल, आंटी, आप भी कुछ कहिए ना। हमें कुछ मत बोलो, तुम ही संभालो इसे। संजय, सुपर ऑफर है, मिस मत करना। चुप करो अशोक। नंदिनी के साथ तुम बोर हो गए हो, तुम्हें तो कहते रहते हो ना। नहीं, तुमने ऐसे कहा अशोक, प्लीज। अब वो खुद ही डिवोर्स के लिए कह रही है, अब हाँ कह दो ना। संजय फंसा हुआ है, उसे परेशान मत करो। क्यों, बहन भाई को सपोर्ट कर रही है? पत्नी का बर्थडे भूलने पर इसे थोड़ी सजा भुगतने दो, तड़पने दो तुम्हारे प्यारे भाई को। चुप कर मेरे पाप। नंदिनी, नंदिनी, मेरी बात सुनो। देखो अशोक बकवास कर रहा है, मुझे तुम्हारा बर्थडे नहीं भूलना चाहिए था, आई एम सॉरी। हां ठीक है, मेरा बर्थडे छोड़ो, हमारी शादी की क्या तारीख है बोलो। मैं कैसे भूल सकता हूँ, अभी तो हुई थी। हाँ यही तो पूछ रही है यार, डेट बताओ इसे। माया, माय वेडिंग एनिवर्सरी, तुम्हें तो याद है ना। जून 4th। मैं कैसे भूल सकता हूँ? जानती थी तुम नहीं बता पाओगे, हम दोनों की शादी की तारीख है June 5th। June 4th को मंडप रेडी कर दिया था, उसी दिन से तुम मेरी पत्नी बन गई, इसलिए June 4th कहा मैंने। सिचुएशन है, सिचुएशन थोड़ी टेंस है साहब, ब्लास्ट करने वाला ग्रुप ही यहाँ पर घुसा हुआ है साहब, उस कॉर्नर बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर कुछ फॉरनर्स को हॉस्टेज बना के हमसे डिमांड कर रहे हैं, बॉम्ब और कहाँ कहाँ प्लांट किया है हमें पता नहीं। अरे ऑफिसर, ये पूरी बिल्डिंग हमारे कब्जे में है, तुम्हें 1 घंटे का वक्त देते हैं, हमारे ग्रुप के लीडर अबुल हुसैन को रिहा करना होगा, वरना अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। आप लोगों की डिमांड्स के बारे में सीनियर ऑफिसर्स को इत्तला कर दी गई है, ध्यान रहे किसी भी हॉस्टेज को कोई नुकसान ना हो। कोई शर्त नहीं ऑफिसर, तुमने जो धमाका देखा वो तो सिर्फ एक छोटा सा नमूना था, उससे 10 गुना बड़ा धमाका भी हो सकता है, और फिर जवाब देते रहना अपनी सरकार को, अपनी फौज को और इन बेगुनाहों को, कोई होशियारी नहीं। 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा।
अशोक, दुरानी को हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन हमें एक ही घंटे में सारे हॉस्टेजेस को बचाना भी है, तो हमारे पास एक ही रास्ता है। अबुल हुसैन के लोगों को शक हो इससे पहले बम का पता लगाकर उसे डिफ्यूज करना होगा। साहब, इस ग्रुप के आदिल नाम के एक आतंकवादी को हमने पकड़ लिया है। किधर है? इस तरफ साहब। तेरी आंखें निकाल के मुंह में घुसा दूंगा। बोल, बम किधर है? बोल। तुम पीछे जाओ, नजर रखो, तुम मेरे साथ। साथियों, वक्त आ गया है हमारे जाने का। अलविदा। The first gunshot was heard after the special task forces entered into the building. कम दुश्मनों को, जाओ, जाओ। तुम ठीक हो?
मुझे कुछ नहीं हुआ। आर यू ओके? हाँ। संजय, are you okay? I'm okay. बाहर निकल। संजय। साले ऑफिसर, बाहर निकल। डरपोक। तुम लोगों को क्या लगा था? कुर्बानी क्या होती है? तुम्हें अब मैं बताऊंगा। इसके एक घंटे की मोहलत है। अभी कितना वक्त बाकी है? बाहर निकलो। सिर्फ 15 सेकंड। Go. Move. Get up, get up. Move. Sanjay. 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 Get up. Get up, Sanjay. 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 संजय आंखें खोल, कुछ तो बोल संजय। डर लग रहा है यार। संजय तुझे कुछ नहीं होगा यार। ये डर नहीं है कि मैं मर रहा हूं, बस अपने बच्चे को बिना देखे मरना नहीं चाहता। शट अप। ए, तू अपने बच्चे को अपनी गोद में खिलाएगा। गेट अप, गेट अप। आजा संजय, स्टे विद मी। संजय कुछ नहीं हुआ यार। क्या ये संजय मरा कैसे सर? अशोक, नरीमन हाउस में हुए शूटआउट में संजय की मौत कैसे हुई ये तो सब अच्छी तरह से जानते हैं। संजय को मरना नहीं चाहिए था, यू नो व्हाई। उसका पहना हुआ बुलेट प्रूफ जैकेट फेक था। इस जैकेट का काम था बुलेट को रोकना, लेकिन नहीं रोका। मेरी आंखों के सामने उसे बुलेट्स लगी। I can understand your feelings. तुम्हारे दोस्त की मौत ने तुम्हें इमोशनल बना दिया है।
I know how badly it hurts. इस बुलेटप्रूफ जैकेट का अप्रूवल किसने दिया था? क्यों? सारे टेस्ट रिपोर्ट की जांच करके मैंने अप्रूव किया था। यही सबसे बड़ी गलती हुई है सर। मौत से हम लोग कभी भी नहीं डरे, लेकिन वो मौत धोखे की नहीं होनी चाहिए। अपनी जान जोखिम में डालने वाले संजय के लिए लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। तुम ऐसी बेकार की बातें करके डिपार्टमेंट की इज्जत मत उछालो। ओए, संजय मर गया है। वो तीसरा ऑफिसर था जो आज हमारे बीच नहीं है। क्यों? सब इस घटिया बुलेट प्रूफ जैकेट के कारण। दैट इज द ब्लडी ट्रुथ। बिना सबूत के इल्जाम मत लगाओ अशोक। सबूत चाहिए? ओके, लेट्स मेक इट सिंपल। ये रहा आपका सबूत। अशोक, सबूत मांगा था ना, तो फिर डर क्यों रहे हो? अगर ये जैकेट अच्छी क्वालिटी की है तो तुम्हारी जान बचा लेगी। अशोक पागल मत बनो। सबूत मांगा था ना, ये रहा सबूत। अशोक, और चाहिए सबूत? संजय का वो जैकेट पोल खोलेगा, और जो भी इस स्कैम के पीछे, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ऐसी क्या अर्जेंट बात थी जो मुझे फोन किया? सर, संजय ने खराब क्वालिटी का बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था, और इसी वजह से हमारे दो और ऑफिसर मारे गए। क्या है ये? हैं? अचानक आकर सामने खड़े हो जाते हो। उसने ये किया, इसने ये किया, हमेशा अपने लोगों की शिकायत करते रहते हो। मैं सबूत के साथ आया हूँ सर। ये लीजिए लैब रिपोर्ट। मानिक वर्मा ने हमें बुलेट प्रूफ जैकेट की सप्लाई की थी। उसे जब टेस्ट किया तो गोली पार कर गई। इस बात को नजरअंदाज करके जॉइंट कमिश्नर ने ही अप्रूवल दिया था सर। स्कूल के बच्चों की तरह कंप्लेन कर रहे हो। चलो टीचर से ही पूछते हैं। क्यों मिलिन, तुम्हारे अप्रूव किए हुए जैकेट्स ठीक नहीं है। ये भाई साहब उसके कुछ प्रूफ लेकर आए। अब मुझे ये भी संभालना पड़ेगा क्या? हाँ देख लो, मेरे पास टाइम नहीं है। अशोक फोन दो। हम एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, एक दूसरे पर उंगली नहीं उठाते। Didn't I tell you so? तीन ऑफिसर शहीद हो गए, वो हमारी फैमिली नहीं थे क्या? ए, क्या नाम है तेरा? हाँ अशोक। देखो अशोक, सैनिक का यही काम है, क्या करूं, मरते रहते हैं यार। अपना नाम करके मर रहे हैं ना, मरने दो। सर, अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं मैं? क्या? आपका कितना कमीशन था? अशोक 2 कौड़ी के ऑफिसर, पता है क्या कह रहे हो? झूठ घबराता है लेकिन सच कभी नहीं डरता। खून पसीना बहाकर मेरे साथ काम करने वाले अपना खून बहाकर मर गए। अगर आप भी इसमें शामिल हैं तो बच नहीं पाएंगे। मिनिस्टर्स भी इसमें शामिल हैं? छे, हमारा चैनल किसी भी गुनहगार को नहीं छोड़ेगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो एविडेंस था वो मिनिस्टर्स को दे दिया? मैंने अपने पास एक कॉपी रखी है। गुड। मेरे अलावा किसी और रिपोर्टर से तो नहीं मिले? ना। इस बात को हमें ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए। ऐसे लोगों को हर कीमत पर सजा मिलनी ही चाहिए। अशोक एक मिनट सुनो, आजकल तुम बहुत डिस्टर्ब से लगते हो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या हुआ है? क्या पूछना चाहती हो? संजय मरा नहीं, उसे मार डाला गया, ये बताऊं? हाँ? क्या कह रहे हो, मैं कुछ समझी नहीं। संजय को मारा कुछ लोगों के लालच ने, संजय को मारा कुछ लोगों के कमीने पन्ने जो उनके खून में है, संजय को मारा हमारे घटिया सिस्टम ने, संजय को मारा माय ओन ब्लडी डिपार्टमेंट ने। ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाएगी ये हमने सोचा नहीं था। उस अशोक ने तो हमारे नाक में दम कर रखा है। इस बुलेट प्रूफ जैकेट डील में हमने 200 करोड़ रुपए कमाए हैं।
हमारे पैसे स्विट्जरलैंड के बैंक अकाउंट में सेफ है जिसका कोई भी पता नहीं लगा सकता है। हमें बस ये देखना है कि और कोई प्रॉब्लम ना हो। बात पैसे की नहीं, बात हमारे इमेज, रेपुटेशन और प्रेस्टीज की है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जिस दिन ये घोटाला सबके सामने आया ना, आप सब लोग तिहाड़ जेल में मेरे साथ बैठकर हवा खाएंगे। You want to know something? संजय ने पहना था घटिया क्वालिटी का बुलेट प्रूफ जैकेट। सप्लायर के फेंके हड्डी के टुकड़े खाकर उसे अप्रूव किसने किया? हमारे जॉइंट कमिश्नर ने। सबूत लेकर होम मिनिस्टर के पास गया तो पता चला कि वो भी इस घोटाले में शामिल है। और कुछ जानना चाहती हो माया? जितने भी दुश्मन सामने आए उनका सामना कर लिया, तेज द्रोहियों का सामना करना अब सीखना शुरू किया है। किसी और चैनल के पास गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारे पास लेकर आए सारे डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी उसके पास भी है। पहले उन्हें किसी तरह से खत्म करो। सबसे जरूरी है वो संजय ने पहना जैकेट। कोर्ट तक वो एविडेंस नहीं पहुंचने चाहिए। नहीं पहुंचेगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? बेहतर होगा उसे मेरे हवाले कर दो। 2 घंटे में खत्म कर दूंगा। है जल्दबाजी में हमें कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। अशोक एक सच्चा और ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। अशोक को मामूली नहीं समझना चाहिए। ये क्या है अशोक? अशोक अशोक कब से देख रहा हूं तुम लोग अशोक की बीन बजाए जा रहे हो। उसकी सच्चाई, ईमानदारी एटसेट्रा एटसेट्रा। बंद करो अब ये कहानी। रुको, वो आ रहा है। अशोक, ये तुमसे मिलने आए हैं। क्या बात है? आपको भी हमारे साथ चलना होगा। एक छोटी सी इंक्वायरी है। कैसी इंक्वायरी? संजय के खून के केस में आपने बुरी तरह से आदिल को मारा, इसकी वजह से वो कस्टडी में मर गया। तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। नहीं अशोक, आपको हमारे साथ ही चलना होगा। आपको तो ETS के रूल्स पता ही होंगे, प्लीज कोऑपरेट। अशोक, ये सब क्या है? पापा ये कुछ नहीं पापा, जस्ट एन इंक्वायरी। आपके सामने मेरा सर शर्म से झुक गया है। हमारे डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर मिस्टर अशोक आतंकवादियों के साथ हाथ मिला चुके हैं। सब कुछ बेबुनियाद है, उन्हें गलत इल्जाम में फंसाया जा रहा है। अशोक ने कोई भी गलती नहीं की है। उसी ग्रुप के आदिल नाम के आतंकवादी ने जब पूरी सच्चाई बताने के लिए हामी भरी तो पूछताछ के नाम पर उसे जान से मार दिया अशोक ने। लोगों को टेररिस्ट के हमलों से बचाने के लिए हमारे परिवार को गवर्नमेंट ने अच्छा तोहफा दिया है, पर हम चुप नहीं बैठेंगे, सच्चाई को बाहर लाएंगे। अभी हमारी कस्टडी में है लायंस लिबरेशन ग्रुप के लीडर तुरानी। अशोक के बारे में उससे मिली सारी डिटेल्स बहुत जल्द हम कोर्ट में पेश करेंगे। 5 लाख रुपए और मेडल काफी होगा ऐसा सरकार समझती है। तुम्हारी तकलीफ मैं समझती हूँ, महसूस करती हूँ, और होम मिनिस्टर भी मेरी तरह अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। ही फील सैड फॉर यू। तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, अगर इजाजत दो तो। मैं कुछ समझी नहीं। कौन सा महीना चल रहा है? 8वां महीना। बस 1 महीना और है। दिस इज योर फ्यूचर। जो बीत गया उसे भूलकर फ्यूचर के बारे में सोचने में ही तुम्हारी भलाई है। एक मिनट रुको, तुम सीधे मुद्दे की बात क्यों नहीं करती? सोचो कि अगर 2 करोड़ रुपए बैंक में जमा होंगे तो ब्याज हमेशा आता ही रहेगा। बिना किसी के सामने हाथ फैलाए बच्चे की परवरिश हो जाएगी। वो जो भी पढ़ना चाहता है उसे पढ़ा सकती हो। मेरे बच्चे के फ्यूचर के बारे में आप परेशान मत होइए। मैं जानती हूँ कि उसे कैसे पालना है। ये इमोशनल हो रही है, इसे कहो सोच कर जवाब दे। इसका मतलब तुम हमारी हेल्प करोगी या अशोक की गलतफहमी थी? तुम्हारी हेल्प ही कर रही हूँ मैं। हमारी हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ औरों की तरह हमारा भी ईमान खरीदने आई हो। अगर 1 मिनट भी यहाँ रुकी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकलो यहाँ से। You're making a mistake. Go! ये तो टीवी में आती है ना?
रानी जी, मुझसे बेहतर कोई भी बोली नहीं लगा सकता, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन आप घबराइए मत, आपका काम पूरा हो जाएगा। अशोक, अगर इसे जिंदा रखना चाहते हो तो तुम सबको वो जहर पीकर मौत की नींद सोना होगा। आप लोग मेरे लिए ऐसा मत करना। औरतों को मारने के लिए कुत्तों की तरह झुंड में आए हो, मर्दांगी कहते हैं इसे? ए, छोड़ो उसे। क्या हुआ? दोनों बुड्ढे जल्दी मर जाएंगे और लड़की दवा पीते ही नीचे गिर गई। इसका क्या करना? अब इसे जिंदा छोड़कर खतरा कौन मोल लेगा? इसे भी इनके साथ ही भेज देते हैं। ऐसे मत कीजिए, मेरा बच्चा मर जाएगा। प्लीज, ऐसे करके आप लोगों को क्या मिलेगा? लो प्लीज, मेरा बच्चा मर जाएगा। हम सभी की परिवार को बिलोंग करते हैं, कितनी बार कहा था, तू माना ही नहीं। अब तुझे मारने के अलावा कोई चारा नहीं है मेरे पास। एक गलती को दूसरी गलती करके सही नहीं किया जा सकता। ऐसे क्या हंस रहा है? खुशी हो रही है। मरने की खुशी हो रही है? नहीं, मुझे जो शक था वो सही निकला, उसी की खुशी हो रही है। चलो उठाओ इसे, खड़ा करो। पहले तेरे अपनों को मारा, फिर तेरी इज्जत को मारा, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। मरने से मैं कभी नहीं डरता, लेकिन तुम मौत से पहले 100 बार डरोगे, ये मैं गारंटी देता हूं। हमें धमकी देता है? जो अन्याय हुआ उसे बताने के लिए मैं मौत से लड़ रही थी, और दूसरी तरफ अशोक अन्याय का बदला लेने के लिए मौत को धोखा देकर वापस आ गए। देशद्रोही का कलंक मौत से भी बदतर होता है। राजनीति के नाम पर अन्याय करने वालों को जड़ से उखाड़ने का फैसला किया अशोक ने। दूसरों के खून से कमाए पैसों को उनसे छीनने की ठान ली अशोक ने। संजय ही हमारा सब कुछ था, अशोक की जान था वो। संजय को अशोक ने रोल मॉडल की तरह देखा था, उसकी मौत से अशोक एक जिंदा लाश बनकर रह गए। ये बदला लेने की बात नहीं है, एक न्याय का आंदोलन है। इट्स अ वॉर फॉर पीस। मैंने उसके साथ जो किया वो बहुत ही गलत किया। आई एम सॉरी माया, अशोक ने ये सब क्यों किया इसकी वजह मैं अब समझा। एंड आई एम सॉरी अबाउट संजय।
माय गॉड बेबी, बेबी रोने का कोई फायदा नहीं है, प्लीज। आई एम वेरी सॉरी माया, वी आर वेरी सॉरी, गलती कर दी बेबी। देखो हमने कोई गलती नहीं की है बेबी, तुमने जैसा सोचा था ये लोग अच्छे लोग हैं, प्लीज लिसन टू मी। इट्स ओके अर्जुन, हमने जो कुछ तुम्हारे साथ किया उसके बाद तुम हेल्प नहीं करोगे। अनीता का ख्याल रखना, टेक केयर। किसने कहा मैं हेल्प नहीं करूंगा? मैं हेल्प करूं इसका फैसला तो तुमने किया, मैं हेल्प नहीं करूंगा इसका फैसला भी तुम ही करोगी क्या? जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलती हुई है उसे ठीक करना मेरी जिम्मेदारी है। आई वॉन्ट टू राइट द रॉन्ग। ओह हाउ स्वीट। उसने सिर्फ मेरे दोस्त को नहीं मारा, परिवार वाले को मारा है। दो दिन रोकर भूल जाऊं ऐसा रिश्ता नहीं था मेरा। मिस्टर शर्मा की मौत से आपको कितना दुख पहुंचा है ये मैं समझ सकता हूं सर। अशोक को हमने पकड़ लिया है और अभी वो हमारी कस्टडी में है। अशोक कुमार, बॉम्ब स्क्वाड स्पेशलिस्ट। रिकॉर्ड में तो तुम्हारे कोई दाग नहीं, फिर यह सब अचानक कैसे? पुलिस ऑफिसर से तुम आतंकवादी बन गए। मेरे दिल के करीब कोई हुआ करता था, जब भी तुम्हें देखता हूँ उसकी याद आ जाती है। उस दिन हॉस्पिटल की लिफ्ट में भी यही कहना चाहता था, रॉन्ग टाइमिंग। तुम भी पहले एटीएस में थे, पूछताछ कैसी होती है ये जानते हो। सो टॉक, तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है ना? कौन सा महीना है? क्यों धमका रहे हो क्या? डोंट बी सिली, ऐसे ही पूछ लिए। हे, मेरे साथ कोई खेल मत खेलना, तुम्हारा मुंह कैसे खुलवाना है अच्छी तरह से जानता हूं। तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मैं यहां से निकल जाऊंगा अगले 5 मिनट में। ऐसा मेरे होते नहीं होगा। सर, एसीपी सर ने बुलाया। कुछ कहा उसने? अभी तक तो नहीं सर, लेकिन जल्दी उगलवा लूंगा। गुड वर्क प्रकाश। थैंक यू सर। अब मैं ही उसे हैंडल कर लूंगा। सर थोड़ी देर में भेजता हूँ, पूछताछ खत्म नहीं हुई। उससे पूछताछ मैं करूंगा, यू डोंट वरी। सर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन उससे। प्रकाश, आई एम योर चीफ, अब से अशोक की जिम्मेदारी मेरी है। तुमसे कहा था ना प्रकाश, मैं यहां से निकल जाऊंगा अगले 5 मिनट में। तुम्हें जरूर ढूंढ निकालेंगे। जो मौत से डरते हैं उनकी रोज मौत होती है, उसका सामना करने वाले सिर्फ एक बार शहीद होते हैं, फिर मौत से क्या डरना। सॉरी मैंने गलत समझा था तुम्हें,
तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगा। सॉरी मैन, सॉरी चीफ, तुम्हें चीफ बुला सकता हूँ ना? तुम्हारे अशोक ने हमारे सीनियर ऑफिसर को बीच सड़क पे गोली मार दी। तुम 20 सालों से उसके साथ हो, अभी वो क्या प्लान कर रहा होगा, कहां होगा, ये सब तुम जरूर जानते होगे। अब तुम्हारे पास खुद को बचाने का सिर्फ एक रास्ता है। सर, अशोक की इन्फॉर्मेशन हमें दे दो, तुम्हें छोड़ दूंगा। सर, उससे बेटर चॉइस मैं आपको देता हूँ, यही कि आप किसी तरह हमारे दुश्मनों को खत्म करने में हमारी मदद करो। अशोक खुद ही सरेंडर हो जाएगा, उसके बाद आपको उसको ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या कहते हो? राघवन के तो डिस्क में सब स्विस बैंक अकाउंट्स हैं। मिनिस्टर का बीनामी शर्मा, रम्या राधाकृष्णन, जेसीपी मिलिंद, चीफ, सिर्फ यही नहीं और भी कई पॉलिटिशियंस के अकाउंट्स हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए छुपा कर रखे हैं। मासूम लोगों को धोखा देकर, उनका खून चूसकर करोड़ों रुपए स्विस बैंक में डाल रखे हैं। उनके अकाउंट में जितने भी पैसे हैं इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ये किसका अकाउंट है? वक्त आने पर बताऊंगा। क्या का? ओ, पर याद से बता देना। सिर्फ महादेव राणे ही नहीं, उससे जुड़े सभी के पैसे निकालकर उनके घोटालों को उजागर करके एक साथ खत्म करना चाहता हूँ। ओह शिट, चीफ, अनबिलीवेबल, किसी अकाउंट में पैसे नहीं है, सिर्फ मिनिमम बैलेंस बचे हुए हैं। पता था ऑडिटर श्रीराम राघवन के घर से हार्ड डिस्क चोरी की तो उन्होंने पैसा कहीं और ट्रांसफर कर दिया। यहाँ नहीं तो कहाँ होगा? Come on baby, show up, come on, show up. Yes, chief. सारा का सारा पैसा एक ही अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है एंड वो अकाउंट दुबई में है। किसके नाम पर? ओह, इट्स अ बेब, दीक्षा। दीक्षा? दीक्षा राणे, महादेव राणे की इकलौती बेटी। आई थिंक महादेव राणे और बाकियों ने अपने पूरे पैसे दीक्षा के अकाउंट में सेफली ट्रांसफर कर दिया है। वेरी क्लेवर, स्मार्ट मूव। उठाना होगा। किसको? दीक्षा को? पैसों को। ओह ओके, आई एम सॉरी, पॉसिबल है लेकिन उसमें छोटी सी प्रॉब्लम है। इस अकाउंट नंबर को ब्रेक करना है तो मुझे दीक्षा के फिंगरप्रिंट्स चाहिए होंगे और वो यहाँ से नहीं हो सकता। महादेव राणे ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकता है ये मैंने सोचा नहीं था। पैसों के लिए हमारे देश को धोखा दे रहा है। दुर्रानी को सेफली बॉर्डर तक पहुंचाने के लिए उसने एक डील की थी, उसी के लिए रम्या यहाँ आई है। कल सुबह 11 बजे दीक्षा से बैंक में मिलकर अमाउंट ट्रांसफर करने वाले हैं। ठीक उसी वक्त हमें सारे पैसे लूटने हैं। चीफ, दीक्षा का हाईली सिक्योर्ड अकाउंट है, उसके फिंगरप्रिंट्स के बिना तो उसे ओपन नहीं किया जा सकता ना। अगर ओपन कर भी लिया तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सेटिंग, फायरवॉल सेटिंग्स, प्रोग्राम्स और भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर वो सब ब्रेक करना है तो बैंक के मेन सर्वर रूम में तो मुझे जाना ही होगा। जानता हूं। देखो ये बैंक का ब्लूप्रिंट। दीक्षा ठीक 11 बजे बैंक आ रही है और तुम ठीक 10 बजे बैंक का स्टाफ बनकर सर्वर रूम में मौजूद रहोगे। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? देखो माया, उस बैंक में टोटल 572 एम्प्लॉइज हैं। सभी को एंटर होने के लिए सिक्योर्ड आईडी कार्ड्स हैं। मेरा एक सर्विस इंजीनियर आईडी कार्ड बनवा दो और बाकी मुझ पर छोड़ दो। अगर उन्हें पता चल गया ना तो खेल खत्म। हे, नो वरीज। अरे मैं कैसे फंस सकता हूँ बैंक के सर्वर रूम में? इतनी जल्दी तो कोई घुस नहीं सकता। सो उस दिन मेरा मेंटेनेंस कॉल है ये बताकर मैं एंटर करूंगा। एक्सक्यूज मी, सर्वर रूम मेंटेनेंस। Thank you. ठीक 11 बजे दीक्षा पैसों का ट्रांजैक्शन करेगी। ओके। माया और मैं कार पार्किंग में वेट करेंगे। अर्जुन, या तुम क्विकली अपना काम खत्म करना और हमारे पास आ जाना। चीफ, 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 पर इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है।
कैसी प्रॉब्लम? उसका अकाउंट मिनिमम 10 मिनट के लिए ओपन रहेगा तो ही मिनिस्टर के सारे पैसे हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो पाएंगे। बहुत सारे पैसे हैं। 10 मिनट? हाँ चीफ, लेकिन वहाँ का बैंक मैनेजर इतनी देर तक उस अकाउंट को ओपन करके नहीं रखेगा। अर्जुन, मैं बैंक मैनेजर बनकर ट्रांजेक्शन करूँ तो? फैंटास्टिक चीफ, सुपर्ब। हमारे बैंक में अपना अकाउंट खोलने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर। सो हाउ इज माय कैबिन? वेरी वेरी इंप्रेसिव। थैंक यू। हाउ सेफ इज योर बैंक? दुनिया का सबसे सेफ है हमारा बैंक। सारे कस्टमर्स के अकाउंट डिटेल्स को भी हम बहुत संभाल कर रखते हैं। कोई जेम्स बॉन्ड भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे कंप्यूटर सिस्टम को हैक करना नामुमकिन है। हर एक ट्रांजैक्शन के लिए अकाउंट होल्डर के फिंगरप्रिंट की जरूरत होगी। टेक्नोलॉजी चाहे जितनी डेवलप हो गई, लेकिन हम रहे अंगूठा छाप। क्या कहा आपने? थंब इंप्रेशन, वेरी इंप्रेसिव। एनीवे, ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे कस्टमर बने। मैनेजर भी बनूंगा। मजा आ गया चीफ, तभी तो इन्हें चीफ बुलाता हूँ। अशोक, रम्या दीक्षा के साथ आएगी, ऐसा मत करो। या यू आर राइट चीफ, वी हैव अ प्रॉब्लम। जानता हूँ माया, रम्या को वहां आने से रोकना तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक जरूरी बात, रम्या को संभालते वक्त जल्दबाजी मत करना, सारा प्लान बिगड़ जाएगा। करेक्ट माया। माया, भगवान के लिए प्लीज जल्दबाजी मत करना। प्लान तो एकदम फर्स्ट क्लास है, लेकिन सब प्लान के मुताबिक होना चाहिए चीफ। दुबई है ये, फंसे तो हमारे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। हिलना मत। कौन हो तुम? होशियारी करने की कोशिश की तो उड़ा दूंगी। अर्जुन, मैंने पोजीशन ले ली है। चीफ, मैं भी सर्वर रूम में एंटर कर चुका हूं। आई एम इन पोजीशन। क्रिस्टोफर, मैं बैंक नहीं आ रही, तुम अपना सिस्टम लेकर मेरे यार्ड पर आ जाओ। मैं और रम्या वहीं मिलेंगे। Did you get it? Yes, ma'am. Okay. कौन हो तुम? क्यों यहां ले आई हो? क्या चाहिए तुम्हें? माया, सोचा नहीं था दोबारा मिलेंगे। तुम्हारी मौत बनकर दोबारा तुम्हारे सामने आई हूं। अशोक तो बच गया था, पर तुम भी नहीं मरी थी। लिसन, अगर मैं यहाँ से 5 मिनट में नहीं निकली तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे वो। They will kill you. तेरे जहर को पीकर जिंदा बचकर आई हूँ। चाहे जो कर ले, तू इस बार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हे, तुम यहाँ किस इरादे से आई हो? What's the plan, huh? चीफ, क्या हुआ? अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया। अर्जुन, मैं बैंक में नहीं हूँ, दीक्षा ने अपने पास बुलाया है। क्या कहा? बैंक में नहीं हो तो वाट मेरी ही लगने वाली है। चीफ, पुराना कुछ याद रखकर बदला तो नहीं ले रहे हो ना? तुम फोन पर बने रहो, I'll keep you posted. Okay, okay. Oh no, जो भी प्लान किया था वैसा कुछ नहीं हो रहा है। Wait, check him. Show me your ID. Gibran from Royal Bank of Dubai. Hi. Christopher nahi aaye? No, ma'am. He's gone to meet the king. So you are here to meet the queen, huh? पहले उस मैडम से पूछो कि वो बैंक क्यों नहीं आई। काहे की क्वीन? Sit down. Thank you. Excuse me, तुम अपना चश्मा उतार दो। एकदम जोकर लग रहे हो इसमें। आपकी बेइज्जती। इसके तो चीफ सारे पैसे मारने हैं, चाय पीने के लिए भी पैसे नहीं छोड़ेंगे। Sure.
हम लोग रम्या के आने का वेट कर रहे हैं क्या? नो नीड, रम्या हमें बाद में ज्वाइन कर लेगी। वी कैन स्टार्ट। इनके अकाउंट से मेरे अकाउंट में फंड्स ट्रांसफर होना है। जेंटलमैन, अपना ट्रांसफर शुरू कर सकते हैं। मैडम, आपके अकाउंट को एक्सेस करने के लिए आपका थंब इंप्रेशन चाहिए, प्लीज। अरे वेरी गुड चीफ, अकाउंट तो ओपन हो गया है। याद रखना 10 मिनट तक ओपन रहना चाहिए, ओके? गलती कर रहे हो। यू पीपल आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक। तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहां से चली जाओ। रम्या अभी तक नहीं आई। माया, बचाओ मुझे। कहां फंस गई रम्या? तो मेरा फोन ही नहीं उठा रही। एनीवे, इनके अकाउंट से मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाए तो उसे 5 डिफरेंट अकाउंट्स में स्प्लिट करके ट्रांसफर कर दो, समझ गए? यस मैम। ओके। परसों दुरानी साहब हमें किसी भी हाल में मिल जाने चाहिए। इंडियन बॉर्डर पर कहाँ हैंड ओवर करना है वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, GPS डिटेल सब हम आपको दे देंगे। ये आप रानी साहब को इन्फॉर्म कर देना। ओके, पापा को मैं बता दूंगी। ट्रांजैक्शन पूरा हो गया तो लॉग आउट कर दो। 5 मिनट्स। चीफ, बस कुछ देर और ऐसी होल्ड करके रखना, ओके? कुछ एरर दिख रहा है, सिस्टम थोड़ा स्लो है। व्हाट? जस्ट अ मोमेंट। कम ऑन चीफ, पूरा अकाउंट साफ कर रहा हूं, तब तक उन सबको ऐसे चूरन देते रहो। छोड़ना मत माया, प्लीज। तुम हर चीज की कीमत लगाती हो ना, अपनी जान की क्या कीमत लगाओगी? तुम जानती हो मेरे पास बहुत पैसा है, तुम जितना चाहती हो उतना देने को तैयार हूँ। प्लीज माया, प्लीज हेल्प मी। मरते समय भी तुम बदली नहीं, हाँ? मेरे सारे परिवार को बर्बाद कर दिया तुमने। तुम्हें मारने नहीं आई थी मैं, लेकिन अब तुम्हें बचाने का दिल भी नहीं कर रहा है। नो माया। लुक मिस्टर व्हाटएवर, इतना डिले क्यों हो रहा है? सॉरी, हमारे बैंक का नेटवर्क थोड़ा स्लो है। कहाँ रहते हो तुम? मरीना जिम के पास मैम। बाइक से आते हो? कार चलानी नहीं आती? धूम देखी थी ना, तब से बाइक का चस्का लगा है, बोलो उसको। धूम फिल्म का थोड़ा असर है। हे, क्या कर रहे हो? मेरे अकाउंट से सारे पैसे कम क्यों हो रहे हैं? व्हाट्स हैपनिंग मैन? हाँ? डैम। तुम कर क्या रहे हो? तुम आखिर हो कौन? ओह शिट। चीफ। तू यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा, चाहे कुछ भी कर ले। अर्जुन, और कितनी देर? थोड़ी देर और चीफ। या कम ऑन डू इट मैन। यस चीफ, इट्स डन। वॉक मी आउट, ड्रॉप योर गन्स ऑन द फ्लोर नाउ। Let's go. Relax, boys. Drop the guns. Drop the guns. Push it away. Move. मैं ये नहीं करूंगी। Do it now. Skito. Stop now!
तैरना आता है? What? Jump. You're so gonna pay for this. I have all the money. Jump. Now. Bye, baby. I'll kill you. Hey, Arjun, अनीता के 12 मिस कॉल्स हैं। Oh shit. परेशान हो गई होगी बेचारी, अकेली जो है। हाय बेबी, कहाँ हो? तेरी बेबी मेरे पास है कंप्यूटर के वायरस। हेलो, कौन बोल रहा है? अनीता कहाँ है? तू ही उस अशोक का प्यादा है ना, जिसने मेरा टीवी नेटवर्क क्रैश कर दिया और अब दुबई जाकर मेरे सारे पैसे को धोखे से चुरा लिया। बोल दे अशोक से, अगर उसे अनीता वापस चाहिए तो मेरे मेहनत से कमाए हुए बेईमानी के पैसे लौटा दे। हेलो हेलो हेलो, शिट। अर्जुन, क्या बात है? चीफ, अनीता को उस मिनिस्टर ने उठवा लिया है, अब क्या करें? शिट। ए, गाड़ी रोको, ड्राइवर गाड़ी रोको। चीफ, दे देते हैं चीफ, सारे के सारे पैसे दे देते हैं, प्लीज। ए, पागल हो क्या तुम? इतना रिस्क लेकर सब कुछ किया है, अब इतनी आसानी से हार मान जाए? तुम जरा सोच कर बोलो माया, हर कोई अनीता को मोहरा बना रहा है, पहले तुम लोग अब वो, लेकिन वो सच में अनीता को मार डालेगा माया। चीफ, तुम बुरा मत मानना, तुम्हारे लिए मेरी जान हाजिर है, लेकिन अनीता को कैसे? लिसन टू मी अर्जुन, तुम्हें और अनीता को इस प्रॉब्लम में मैंने खींचा है, इसलिए अनीता को बिना किसी खनोच के तुम्हारे हवाले करूंगा। हेलो मिनिस्टर, दुबई में क्या हुआ और दुर्रानी किधर है? सारा पैसा लेकर भागने का इरादा तो नहीं है? ए, किससे बात कर रहा है जानता है तू? इज्जत से बात कर, चिल्ला मत। याद रख, मेरे बगैर तू कुछ भी नहीं कर पाएगा दुर्रानी को रिहा करवाने के लिए। मैंने सारे इंतजाम कर दिए हैं और मैं अभी वहां पहुंच रहा हूं, तब तक खामोश रहे। तू बार बार फोन करके मुझे तंग मत कर। पापा, इट्स मी। दीक्षा, तुम वहाँ कैसे? पापा, ये लोग जबरदस्ती मुझे यहाँ लेकर आ गए और आपको पता भी नहीं चला। दीक्षा बेटी, इधर दे। पापा, सुन लिया? जैसे बात हुई थी दुर्रानी को हमारे हवाले कर दो, क्योंकि अब तुम्हारी जान हमारे कब्जे में है। मैं तुम्हें पूरे 24 घंटे का टाइम दे रहा हूँ। ए, तेरी तो मर जाऊंगी मगर खाऊंगी नहीं। ए, चिंता मत कर, मैं तुझे मारूंगा ड्रामा क्वीन। लेकिन अभी तक दुर्रानी क्यों नहीं पहुंचा? हेलो, क्या राणे, दुर्रानी कहाँ चला गया सोच रहा है ना तू? अब तेरी, अबे वो पुलिस कस्टडी से बच निकला ये खबर बनाकर मीडिया और जनता को भरोसा दिलाकर दुर्रानी को भगाना चाहता है ना तू? लेकिन तेरा प्लान मैंने बदल दिया, दुर्रानी मेरे पास है। अशोक, एक भी खरोंच लगे बिना अनीता मेरे पास आनी चाहिए, वरना ऐसा गायब होगा दुर्रानी कि वापस कभी नहीं आएगा। दुर्रानी का बाल भी बांका ना होने पाए। तो फिर अनीता को मेरे हवाले कर दे। इसकी
ठीक है, तुम उसे इसी वक्त हमारे इंडियन बॉर्डर के क्रॉस एरिया में लाकर मेरे हवाले कर दो। मैं अनीता को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। नाउ सी यू एट द एक्सचेंज मेला। तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन तुमने मेरी बेटी को अगवा करके बहुत बड़ी गलती की है। पापा ये सब क्या हो रहा है? तुम शांत रहो, कुछ नहीं होगा। हेलो, आ गया दुर्रानी। मिनिस्टर कहता है। अशोक, पहले दुर्रानी को छोड़। नो चांस, पहले अनीता को मेरे पास भेज। hey, तुम दुर्रानी को इसी वक्त यहाँ भेजो। hey, तू चुपचाप खड़े रहे वहाँ पर, छोड़ेगा दुर्रानी को? चुपचाप रहे। अशोक, छोड़ उसे, छोड़। तो अब एक ही रास्ता है, तीनों लोग एक साथ इनको छोड़े। hey, सब साथ में छोड़ेंगे। तू मेरी बेटी को छोड़, वो दुर्रानी को छोड़ेगा। चल, छोड़ा छोड़ा, तू मेरी बेटी को छोड़। सर, वो सब के सब हमारे रेंज में। शैल वी मूव इन? नो नो वेट, हमें मिनिस्टर और आतंकवादियों को रंगे हाथों पकड़ना है। Get up!
अरे अशोक, पहले मेरे जायदाद को बर्बाद किया, फिर मेरी बेटी को मारा, इतने से दिल नहीं भरा? जो भी हुआ उसकी वजह तो खुद है, उसकी वजह तेरा लालच है। अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रखवाली करने वाले योद्धाओं को क्या इज्जत दी है तूने? बंदूक खरीदने में कमीशन, टैंक खरीदने में कमीशन, बुलेट प्रूफ जैकेट में भी कमीशन, और तो और बॉर्डर पर मरने वालों के कफिन में भी कमीशन खाया तूने। इडियट, इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। पैसा है तो पावर है, अधिकार है, इज्जत है, सब कुछ पैसे से है। तो उसके लिए आर्मी वालों की और पुलिस वालों की जिंदगी से खेलेगा? इडियट्स। मैं और संजय जिससे लड़ रहे थे, हम सोचते थे वो बॉर्डर के उस पार का दुश्मन है, लेकिन उससे भी खतरनाक दुश्मन तुझ जैसे लोग इस देश को चला रहे हैं। इडियट्स, इन ब्लड सकिंग क्रिमिनल्स। ओए, न्याय के लिए लड़ने वाले हर सिपाही की बंदूक से तुझ जैसों को छलनी कर देना चाहिए, तब जाकर हमारा देश सुधरेगा। तू तो बिल्कुल मेरी तरह भाषण देने लगा। इस देश में कौन बेईमान नहीं है? जनता वोट डालने के भी पैसे लेती है। मानता हूं मैंने जैकेट घोटाले में पैसे खाए, दुर्रानी को रिहा करवाने के लिए पैसे खाए। तुम लोग छोटे मोटे रिश्वत लेते हो, हम लोग बड़े बड़े घोटाले करते हैं। ये पूरी दुनिया यूं ही काम करती है, कुछ भी गलत नहीं है, पूरा सिस्टम खोखला हो चुका है। ए, सिस्टम तो तुम खुद ही हो। यू आर द ब्लडी सिस्टम। लोगों को गलती करने के लिए मजबूर करने वाले तुम और तुम्हारा कानून। गौर से मेरी बात सुन, तुम लोग सुधरोगे तो जनता भी सुधरेगी, रिमेंबर दैट। उसके बाद मुझे मारने से सब खत्म हो जाएगा? इस देश में मुझ जैसे हजारों चोर मौजूद हैं। अगर तुझ जैसे हजारों हैं तो मुझ जैसे भी लाखों हैं। देखा, पुलिस आ गई, अब तू नहीं बचेगा। पुलिस को मैंने ही बुलाया था। हाँ? ए, अशोक, क्या कर रहे तू? ए, मिस्टर मिनिस्टर, तुम्हारा समय शुरू होता है अब। ए, अशोक, ए, बंद कर, बंद कर, बंद कर ना। ए, ऐसा मत कर यार। ए, पुलिस, बचाओ। ए, अशोक, अशोक, ए, ए, अशोक, तूने सब रिकॉर्ड कर लिया? ये तो चीटिंग है यार। अशोक, ए, मुझे जेल भेज दे, मुझे यहाँ छोड़ के मत जा। ए, पुलिस, ए, ऑफिसर, बचाओ, बचाओ मुझे। Oh shit! No, 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 no! Stop, stop! Bomb squad को अंदर भेजो। Everybody move out, out, out! अरे उसको बोलो जल्दी आए। Hey, fireman, आराम से, आराम से। अरे ध्यान से भाऊ, मुझे मुझे लगता है पीला वाला, पीला वाला। क्या स्टेटस है? बोलो, बोलो। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, इसे लगाने वाला बहुत ब्रिलियंट है, क्योंकि उसके अलावा इसे कोई डिफ्यूज नहीं कर सकता है सर। Shit! कुछ तो करो प्लीज, do it fast! पीला को ड्रॉप कर दे, वो वाला वायर का। हेलो, हेलो प्रकाश। मिनिस्टर को मैंने तुम्हें जिंदा सौंप दिया, अब खुश तो हो ना? अशोक, खेलो मत, मिनिस्टर को सजा कानून देगी। अपने आप को सरेंडर करो और बम डिफ्यूज कैसे होगा बताओ? तो मेरी बात समझते क्यों नहीं? कभी कभी न्याय के लिए बदला लेना जरूरी होता है। खूनियों और लुटेरों को इतनी माफी मिलती है, इसीलिए देश उन जैसे लोगों से भरा पड़ा है। ये मुजरिम है, मैं ये जानता हूँ। इसके बावजूद तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो? Don't waste my time, damn it! बम कैसे डिफ्यूज होगा बताओ? I think he deserves to die, प्रकाश। अशोक, टाइम निकल रहा है। Okay, प्रकाश, तुम एक पुलिस वाले बनकर नहीं, एक आम आदमी की तरह सोचो। सोचो कि तुम भी उन करोड़ों लोगों में से एक हो। अगर उसके बाद भी तुम्हें लगे कि उस मुजरिम को जिंदा बचना चाहिए तो ब्लू और रेड तार को एक साथ कट करना प्रकाश। गुड लक। नाउ योर क्लॉक इज टिकिंग प्रकाश। हे हे ऑफिसर, हे कौन सा वायर, कौन सा वायर, कौन सा वायर बोला? बोल उसको, बोल उसको, बोल बोल बोल। हे ऑफिसर, कौन सा वायर बोला? सर, टाइम बहुत कम है। हे ऑफिसर, बोल ना कौन सा वायर बोला, बोल ना। उसने कुछ भी नहीं बताया। तू अशोक से बात कर रहा था या फिर अपनी गर्लफ्रेंड से? खोल 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 इसको। गाइस, अगर हम यहाँ रहे तो बेमौत मारे जाएंगे। क्या कहा? चलो यहाँ से बाहर निकलो। ऑफिसर, मुझे यही छोड़कर जाएगा? खोल इसे, खोल इसे, जल्दी से खोल। सर, रियली सॉरी सर,
ओए, अरे सलामी क्यों दे रहा है? आजा, आजा मुझे खोल देना यार। ये तुम्हारी ड्यूटी है। ए, ऑफिसर, ऑफिसर, बचाओ! नमस्कार, क्यू टीवी न्यूज की तरफ से अनीता। कई महीनों पहले नैरीमन पॉइंट में जो हमला किया गया था उसमें जान गंवाने वाले एटीएस अधिकारियों की मौत के पीछे की वजह अब पता चल गई है। वजह है खराब क्वालिटी की बुलेट प्रूफ जैकेट। सूत्रों से पता चला है कि उस जैकेट की डील में कई करोड़ों का घोटाला हुआ है और इस बात का खुलासा हम करने वाले हैं। इस घोटाले के पीछे हमारे भूतपूर्व गृह मंत्री महादेव राणे का हाथ था, जिसके हमें पक्के सबूत मिले हैं। चीफ, पैसा तो बहुत सारा लूट लिया है, अब क्या करें? 50-50? सारा पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांसफर कर दो। ओके चीफ, इस काम के बाद तो मैं फ्री हूं ना। हाँ चीफ, हेलो। इस घोटाले को सबके सामने एक अनजान शख्स लेकर आया है। उस अनजान शख्स ने सिर्फ मंत्री राणे का ही नहीं, उनके साथ मिले कई राजनीति और बड़े लोगों का पर्दाफाश करके उनके घोटाले को समझकर विदेशों के बैंक में जमा किया कई करोड़ों रुपए का काला धन इंडिया में लाकर हमारे इंडियन रिजर्व बैंक को सौंप दिया है। हमारे देश की इतनी बड़ी सहायता करने वाला कौन है और वो कहाँ रहता है, इस बात का पता नहीं चला, लेकिन हम उसके शुक्रगुजार हैं। अरे बाप रे, अच्छा वो सारा बुरा सपना आखिर खत्म हुआ। अब से तो सिर्फ तुम और मैं ही हूँ बेबी। Now I'm ready for honeymoon, you know? Me too. Yeah, let's go, let's go. You guys feeling comfortable? Yeah, yeah, very comfortable. Yeah. Hi, I'm Anita, TV reporter. Oh, baby. Hey, hey, who are you guys? What the hell do you want? I'll call the police right now, huh? Hi Arjun. Huh? Welcome back. ये क्या? अब मुझे इस तरह क्यों उठा कर लाया है चीफ? वो भी हमारे हनीमून ट्रिप पर? तुमने हमारी बहुत मदद की। तो मैं थैंक यू कहना रह गया था। थैंक यू वेरी मच। तुम थैंक्स बोलने के लिए गन पॉइंट पर उठा कर लाओगे क्या? दोबारा तो मुझे नहीं उठवाओगे ना? हाँ, थैंक यू चीफ। चलो चलो चलते हैं। कह नहीं सकता। वन मिनट। हाँ, इतना सब होने के बाद भी तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा चीफ? अगर मैं ना कहूँ तो ये प्लेयर फिर अपना खेल खेलेगा।